Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my... तो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। आज आपको दिखाएंगे ब्लैक सी। हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ब्लैक सी, सॉरी ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि ब्लैक सी होता है। एक्चुअल में ब्लैक सी ब्लैक नहीं है, ये देखिएगा ब्लू है। तो जगह का नाम है सनी बीच, जो आता है बुर्गस रीजन के अंदर, बुल्गेरिया के अंदर। ब्लैक सी जो है वो है 1175 किलोमीटर, 1175 किलोमीटर लंबा सी कोस्ट, जो कि मिलता है मेडिटेरियन सी के अंदर जाके। सोफिया जो बुल्गेरिया की कैपिटल है, वहाँ से अगर आपको सनी बीच के लिए ट्रैवल करना है तो आप बस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ओवरनाइट ट्रेन भी ले सकते हैं। बस डायरेक्टली आपको सनी बीच तक पहुँचा देती है। जो ट्रेन है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है बुर्गस रेलवे स्टेशन, वहां से आप टैक्सी या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज करके सनी बीच तक पहुंच सकते हैं। Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. तो गाइस, बेहद ही खूबसूरत जो ये ब्लैक सी है, वैसे ब्लू है, इसका जो बॉर्डर है वो टच करता है बुल्गेरिया को, रोमानिया को, सर्बिया, यूक्रेन और टर्की को। तो गाइस, अभी यहाँ पर सनी बीच में जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत अच्छा मिलता है। अभी यहाँ पर एक बर्गर कबाब टाइप यहाँ पे मिलते हैं, तो मैंने एक ऑर्डर किया है हॉट डॉग, और एक वो होता है शावरमा टाइप होता है उस तरीके से। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट दुकानें होती हैं, आप देख सकते हैं पीछे कुछ गेम खेलो, और थोड़ी सी दूर पर यहाँ पर बीच होगा, ATMs, सुपरमार्केट है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये है सनी बीच की मेन स्ट्रीट, काफ़ी लंबी स्ट्रीट है ये, और स्ट्रीट साइड में आपको मिलेगा काफ़ी बेहतरीन स्ट्रीट फूड। बर्गर किंग भी है यहाँ पर, और काफ़ी सारे बल्गेरियन ट्रेडिशनल फूड के ऑप्शन हैं। हीना टैटू भी आप यहाँ बनवा सकते हैं। ये जो स्ट्रीट है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है बीच के साथ, यहाँ पर वॉक करते करते आप सीधा बीच पर पहुँच जाएंगे। बीच के किनारे आप रेंट आउट कर सकते हो इन टेबल्स और चेयर्स को। एक दिन का जो किराया होता है वो होता है 13 से 14 यूरो के लगभग। एक साइड आपको ब्लू चेयर्स देखने को मिलेंगी, और एक साइड आपको देखने को मिलेंगी ब्राउन चेयर्स। कुछ ऐसा नज़ारा ब्लैक सी का दिखाई देता है। इन चेयर्स के ऊपर बैठने के बाद आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो ब्लैक सी के बेहद ही खूबसूरत व्यू को। और पास ही में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है नेसेबार। Slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do and I... तो गाइस, सनी बीच से नेसेबार का जो डिस्टेंस है वो है लगभग 4.5 किलोमीटर। आप यहाँ पहुँचने के लिए बस का यूज़ कर सकते हैं, बोट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप टैक्सी से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। नेसेबार को बोला जाता है चर्च का शहर। यहाँ पर लगभग 40 पुराने और नए चर्च मौजूद हैं। 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला था इस शहर को यूनेस्को के द्वारा। जैसे ही आप टाउन के अंदर एंटर करेंगे, वहाँ पर आपको दिखेगा एक मैप। ये मैप है नेसेबार टाउन का। इसमें दर्शाया गया है कि जो जो हिस्टोरिकल लोकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। 3D व्यू है, तो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है ये मैप। आप भी जरूर इसको देखें जब भी आप वहां जाएं। It's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. तो ये है नेसेबार ओल्ड टाउन की गलियां। मनी एक्सचेंज करा सकते हैं यहां से। छोटा सा एक पार्क है, एक मेन चौराहा इसको बोल सकते हैं। यहां पर खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ट्रेडिशनल बल्गेरियन फूड का भी आप एंजॉय कर सकते हैं। It's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Mm-hmm.
ये है नैसे बार ओल्ड टाउन की साफ सुथरी गलियां। साइड में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की दुकानें दिखेंगी जहां से आप सामान खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, वाइन का भी आनंद यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये है सेंट स्टीफन चर्च, 10th सेंचुरी का ये चर्च है, अब इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसी तरीके के यहाँ पर लगभग 40 चर्च मौजूद हैं। जब भी आप सनी बीच आएँ तो नैसे बार जरूर आएँ, बहुत ही पास है और काफ़ी कन्वीनियंट भी है, वहाँ से आप टैक्सी लेकर इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कितना साफ सुथरा है, यह है सेंटर नैसे बार टाउन का। स्ट्रीट टाइप काफ़ी मार्केट्स आपको दिखेंगी यहाँ पर, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ पर आप सी साइड का व्यू लेकर इंजॉय कर सकते हैं ट्रेडिशनल बल्गेरियन फूड को। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।